तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल. मैं हूँ सुरभि एंड ये है दीपक. और आप लोग जैसा अगर हमारा ब्लॉगिंग चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि वी आर प्रेग्नेंट, या आप हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट अगर देख रहे हैं तो आज हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं यहाँ के कल्चरल शॉक. और वो कल्चरल शॉक कौन से दीपक, स्पेसिफिक कौन से? वो हाँ, वो एक्चुअली हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारी अभी तक की जर्नी, जो पेरेंटिंग या जो प्रेगनेंसी की जो जर्नी रही है हमारी, कि हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट हैं इंडिया से. मतलब जो सुन के दिमाग थोड़ा सा हिला भी, और कई चीज़ें बड़ी अच्छी भी लगी, कई चीज़ें बड़ी अलग लगी. तो वो सब चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे. और क्या क्या चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं भाई एडवांस में. मतलब जर्मनी का नाम दूसरा नाम प्लानिंग होना चाहिए. तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में. तो ये जो है वीडियो वही है कि प्रेगनेंसी एडिशन या बीइंग अ पेरेंट इन जर्मनी में हमें कौन कौन से ऐसे शॉकिंग चीज़ें लगी जो हमें लगता है कि हमें आपको ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यार सीरियसली आपको भी सोचने में मजबूर कर देंगे यार ऐसा जर्मनी में होता है. कुछ अच्छे भी पॉइंट्स हैं, एक्चुअली मोस्टली अच्छे ही पॉइंट्स हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहली चीज सुरभि क्या है? पहली चीज है दीपक प्लानिंग. आई थिंक हमने वीडियो में बहुत सारी जगह, मतलब चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो ये वो, तो कर बताते ही हैं. पर यहाँ प्लानिंग, मतलब अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो उससे पहले आपको अपने डॉक्टर्स को प्लान करना पड़ता है. ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है. और यहाँ पे हाँ ये चीज बड़ी डिफरेंट लगी हमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट कभी भी ले सकते हो. मतलब डॉक्टर्स इतना अवेलेबल है, डॉक्टर्स हैं काफी इनफ है. यहाँ पर क्या है, आपको ये मान लो कई सिटीज़ में, इवन जो स्मॉल टाउन्स हैं उनमें तो आपको एक साल पहले से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेकर रखनी पड़ेगी, वरना आपको गायनेकोलॉजिस्ट नहीं मिलते हैं. मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए यार कई बार कि ये क्या चल रहा है यार, मतलब इतने कम डॉक्टर्स हैं. तो वो एक सबसे पहली चीज़ है जो हमें बड़ी शॉकिंग लगी. लोगों ने हमें बोला कि यार कभी प्लान करो फ्यूचर में तो एक साल पहले डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लेना. यार एक साल पहले ये क्या, मतलब हद है यार. पर ऐसा है भाई, हमने भी एक्सपीरियंस किया. तो प्लानिंग, तो इन दिस केस आल्सो प्लानिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जो है वो प्लान करो. जबकि इंडिया में तो आप जैसे ही जाते हो आप कभी भी जा सकते हो. ये चीज हमारे यहाँ अच्छी है, बल्कि आपको मतलब डॉक्टर्स मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल रहते हैं, वो बड़ी अच्छी चीज है. तो ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफरेंट था और थोड़ा शॉकिंग भी था, बट इट इज व्हाट इट इज. तो अब मूव करते हैं सेकंड पॉइंट. सेकंड क्या चीज है सुरभि? तो दीपक सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ डॉक्टर कुछ चीज के लिए मना ही नहीं करते. अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सारी रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल आ रही हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं स्विम कर लो, योगा कर लो, वॉकिंग कर लो, आराम से नॉर्मली अपने ऑफिस चले जाओ, वहां से आ जाओ, खा लो पी लो. ये बहुत ये चीज हमने यहीं पे आके एक्सपीरियंस की. अब खुद के लिए तो अभी कर रहे हैं, वरना हम पहले दिन से देख रहे हैं लोगों को कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, मतलब जो लेटर पार्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी है, 7-8 मंथ्स में भी साइकिलिंग कर रही हैं, घूम रही हैं, यहाँ वहाँ अपना शॉपिंग करने जा रहे हैं, सब कुछ घूम फिर रहे हैं. बड़ा नॉर्मल सा, मतलब ऐसे बड़ा शॉकिंग सा लगता था, क्योंकि हमने शुरू से वही एक्सपीरियंस किया है कि वो मतलब जो अगर कोई प्रेग्नेंट है तो भाई रेस्ट करो, बेड रेस्ट करो, टेक केयर, कहीं बाहर नहीं जाना. यहाँ लोग हाइकिंग करते हुए दिखे हैं मुझे यार कई बार, तो मतलब मैं शॉक हो गया. हाँ मतलब यार बहुत ही नॉर्मल. आप ये मुझे भी बहुत शॉकिंग लगा. मुझे लगा डॉक्टर कुछ तो मना करेगी, पर डॉक्टर इज लाइक कि नहीं यार आपकी बॉडी, आपको पता है आपकी बॉडी के हिसाब से आप एक नॉर्मल रूटीन जो है वो फॉलो कर सकते हो. तो भाई ये मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा. और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको पूरी ओवरऑल जर्नी जो है वो एक नॉर्मल लगती है. आपको ऐसा नहीं लगता कि समथिंग डिफरेंट आपके साथ कुछ हो रहा है. राइट, अब इसके साथ मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. नेक्स्ट पॉइंट है दीपक, इंश्योरेंस जो यहाँ का होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, वो बहुत सही है. अब जैसे आप इंडिया में तो ऑफकोर्स यार जैसे ही आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो आपको पता चलता है, तो बहुत ज़्यादा खर्चे जो हैं वो बढ़ जाते हैं, दवाइयाँ बहुत सारी बढ़ जाती हैं. तो सबसे पहली बात तो यहाँ डॉक्टर्स बहुत सारी दवाइयाँ नहीं देते हैं ना. नहीं, बहुत ही लिमिटेड दवाइयाँ, जो मल्टीविटामिन हो गए या आयरन वगैरह की जो टैबलेट्स होती हैं वो देते हैं. तो वो तो मेरे ख्याल में सभी जगह देते हैं, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं देते हैं. और इंश्योरेंस इतना अच्छा पार्ट है, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है यहाँ पे, जो आप पैसा इंश्योरेंस का दे रहे हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे आके समझ में आती है.
कि आपको जो रेगुलर चेकअप होते हैं आपके, या जो भी सोनोग्राफी होती है, जो भी चीज़ें आपकी होती हैं ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस कंप्लीट पीरियड, उसमें आपको कहीं भी जाके आपको उसके लिए पे नहीं करना पड़ता, वो सब इंश्योरेंस में कवर्ड होता है। ऐसा नहीं कि आपको जाके उसके लिए किसी पैथोलॉजी में या वहाँ जाके अपन पे करते हैं, वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है। जो मेडिसिन भी मिलती हैं वो भी डिस्काउंट पे मिलती हैं क्योंकि डॉक्टर रिकमेंड करके देते हैं। उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कहने के लिए एक्सेसरीज हैं, सभी के लिए नहीं होती पर हेल्पफुल होती हैं, वो आपके वो भी इंश्योरेंस में कवर्ड हैं। फॉर एग्जांपल सर भी जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल जो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होते हैं, हाँ वो बहुत महंगे आते हैं यहाँ पर, अराउंड 100 यूरो से 200 यूरो के लगभग आते हैं। तो वो जो है वो आपको इंश्योरेंस में कवर्ड होता है, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और आप वो स्लिप लेके एंड यू कैन टेक दैट। अदर देन दैट मुझे बैक में बहुत पेन होता था, जो प्रेगनेंसी बेल्ट होते हैं जो बैक सपोर्ट देता है वो भी बहुत महंगे आते हैं यहाँ पर, तो वो भी पहले से पहले जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और वो भी फ्री में होते हैं। और ऐसा नहीं कि एक बार आपका, क्योंकि साइज चेंज होता है तो दो बार जो है वो दीपक फ्री में। हाँ, वो आपको वही, ये चीज़ें बड़ी शॉकिंग डिफरेंट और ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी यहाँ पर कि आपके इंश्योरेंस में सारी चीज़ें कवर्ड हैं। फिर आपका ये जो ड्यूरिंग मतलब आपकी जो जर्नी है 9 मंथ्स की, इसमें सारे के सारे चेकअप, आपकी सब मेडिसिन, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल डिलीवरी के टाइम पर हॉस्पिटल का सारा बिल और सारी चीज़ें, वो सब इंश्योरेंस में कवर्ड होती हैं, विच इज़ रियली गुड। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, जो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही शॉकिंग है इंडिया से अगर मैं कंपेयर करूँ तो, वो है यहाँ पर एक होती है मिडवाइफ, अ काइंड ऑफ नर्स समझ लो। जो एक डॉक्टर्स जो होते हैं वो तो आपको चेकअप करते ही हैं, नॉर्मल रूटीन चेकअप, पर मिडवाइफ जो होती है वो भी आपको पूरे टाइम जो है वो सपोर्ट करती है और वो आपको हर एक चीज़ में गाइडेंस देती है। तो मिडवाइफ का जो सपोर्ट है दीपक, वो मुझे इधर इतना अच्छा लगा। हाँ, वो बहुत हेल्पफुल रहा, एटलीस्ट हमारे केस में तो बहुत हेल्पफुल रहा। हाँ। बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया, सारी चीज़ें समझाई, कई चीज़ें नहीं बताती हमें, उन्होंने बताई कि ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, आप ये भी चीज़ ले सकते हो, वो भी चीज़ ले सकते हो, क्या चीज़ कहाँ से लेनी है। कोई भी क्वेश्चंस थे हमारे, मतलब किसी भी तरह के सवाल हैं, कोई भी डाउट्स हैं, वो सारे बताए, जो उन्हें पता है वो ठीक है, नहीं पता तो वो डॉक्टर से पूछ के फिर बताते थे हमें। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। और मिडवाइफ का ही एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद, यहाँ पर बेसिकली मिडवाइफ को हेवमा बोलते हैं, तो डिलीवरी के बाद भी आपको 3 मंथ्स तक जो हिबमा जो मिडवाइफ है वो सपोर्ट रहता है। तो अगर कोई पहली बार पेरेंट बन रहा है, उनका कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पर, तो उस केस में ये बड़ा हेल्पफुल होता है। वो आपके घर आते हैं वीकली, इनिशियली ज़्यादा टाइम आते हैं वीकली 2 बार ऐसे करके, लास्ट में धीरे धीरे उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। वो आपके सारी चीज़ें चेक करेंगे, बच्चे का, मदर का, सब कुछ देख के चेक करके बताते हैं, तो एक बहुत बड़ा गाइडेंस आपको मिलता है और बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। और ये जो पूरा सपोर्ट है ये भी इंश्योरेंस में कवर्ड होता है, तो उसके लिए भी आपको अलग से पे नहीं करना है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। और क्या होता है ना, जैसे अपन बोलते हैं ना कि नॉलेज अपने आप ही सब लोग बताते हैं, तो यहाँ का एनवायरनमेंट वेदर बहुत डिफरेंट होता है, तो जो हिबामा होती है वो यहाँ के हिसाब से बताती है कि मदर को कैसे रहना चाहिए, बेबी को क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताती है। इवन वो ये तक बताती है कि आपको क्या क्या सामान जो है वो पहले से खरीदना चाहिए। तो दीपक ये भी एक शॉकिंग है, जैसे जैसे हमारे यहाँ कुछ भी सामान जो है, ये बेसिकली ये कहे तो एक तरह का एक नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करने वाले थे कि ये बड़ा शॉकिंग है, हमारे यहाँ पहले से चीजें नहीं लेने देते लोग, पता नहीं जो भी रीजंस रहे हैं, सही गलत नहीं पता। हाँ। लेकिन यहाँ पर आपको पहले से ही लेके रखना पड़ता है चीजें, वो आपको लिस्ट दे देते हैं, वो उसके हिसाब से आप सारा सामान लेकर आइए, और वो लोग जब बाद में आते हैं वो देखते हैं कि सब कुछ है या नहीं है, तो ये भी एक बड़ी डिफरेंट चीज है। तो हमारे पास एक लिस्ट ऑलरेडी है, तो हमें वो सब कुछ खरीद के पहले से ही रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि उसका चेकिंग भी होता है। ऐसा नहीं कि आप मतलब बेबी आ रहे हैं पर आपके पास कोई सामान ही नहीं है, आपके पास सारा सामान जो है वो पहले से ही होना चाहिए, जो एक बहुत बड़ा शॉकिंग था। अगर इंडिया में ऐसा नहीं होता है तो हम लोगों को बहुत बड़ा झटका लग गया इसको सुन के। हमें तो चलो इतना नहीं लगा, लेकिन हमारे पेरेंट्स को बहुत बड़ा झटका लग गया ये सुन के। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ऑफकोर्स सारी ही यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज में जो है ये बहुत ही कॉमन है, पर इंडिया में नॉट एट ऑल कॉमन है। वो ये है कि यहाँ पर 4 मंथ्स में डॉक्टर, आप जैसे ही सोनोग्राफी के लिए जाते हो तो वो आपसे पूछते हैं कि यू वॉन्ट टू नो द जेंडर और नॉट, कि ये बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो 4 मंथ्स में दीपक यहाँ पर आपको पता चल जाता है। हाँ, वो उसका रीजन सबको पता है, सब समझदार है कि इंडिया में क्यों नहीं है। हाँ। और यहाँ पर क्यों है। हाँ। तो वो आप
वो इतनी बड़ी चीज नहीं है जो अब हमारे लिए इंडिया में काफी बड़ा चीज है ये कि क्या है क्या नहीं सस्पेंस, वो भी आपसे पूछते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको बता ही देंगे, वो आपसे पूछते हैं आपको जानना है, अगर आप बोलते हैं हाँ जानना है तो आपको बता देंगे, आप बोलो नहीं जानना है तो वो नहीं बताते हैं। लेकिन ये हमारा जैसे आप इंडिया में जब बताते हैं तो उनके लिए बहुत शॉकिंग है, हमें तो चलो पता है, वो अरे यार सच में तुम्हें क्या इतने टाइम पहले से पता है, यार पहले से बता दिया तो ये भी होता है, तो ये होता है जो जो कि एक्चुअली हेल्पफुल इसलिए होता है कि आप पहले से ही प्लान कर सकते हो चीजें, काफी चीजें अपनी थीम बना सकते हो कि किस तरीके की थीम रखना है, सारा कुछ जो सामान लेना है वो प्लान कर सकते हो, नाम जो है वो पहले से, वो बड़ी चीज है, तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर बता देते हैं, जो कि अच्छी भी चीज है और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा दीपक एक बहुत बड़ा शॉकिंग, हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट, ऑफ कोर्स हमने प्लानिंग करी है, पर यार तुम ये बताओ हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट हमने कब ली थी? ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब आप सोचो कि डिलीवरी के लिए भी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है यार, मतलब सोचो किसी के पास अपॉइंटमेंट ना मिले तो पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या करेगा, हालांकि मिल ही जाती हुई कहीं ना कहीं इमरजेंसी में, पर आपको वो भी पहले से ही आपको मतलब 5 या 6 महीने पहले से ही आपको बुक करना पड़ता है यार कि इस डेट में प्लान्ड है और ये हॉस्पिटल अवेलेबल है या नहीं, वो बोलेंगे नहीं 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 हमारे पास स्लॉट नहीं है, आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में देखो, तो वहाँ देखना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा शॉकिंग चीज़ लगी हमें कि आपको पहले से ही करना पड़ता इतनी पहले, थोड़ा पहले तो इंडिया में भी होता है पर इतनी पहले मतलब 6 महीने पहले आपको पहले से ही बुक करना पड़ेगा, विच वॉज शॉकिंग। हाँ जैसे ही आपको पता चले, मतलब यहाँ तो बोलते हैं प्रेफर करते हैं कि आप भैया जैसे ही आपको पता चले प्रेगनेंसी के बारे में वैसे ही जो है वो आप हॉस्पिटल जो है वो बुक कर दो, तो ये भी हो जाता है यहाँ पर जो कि शॉकिंग है। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको जिस क्लिनिक में जाते हैं वहीं पर डिलीवरी खुद ही उसी टाइम पे बता देते हैं, तो अपने आप पे भी करना पड़ता है पहले से हॉस्पिटल वगैरह, क्योंकि आजकल तो कॉम्बो पैक ये सब चलते हैं ना हॉस्पिटल में और सेलिब्रेशन का भी वो करते हैं, बड़ी अच्छी चीज है वो चीज, तो वो चीज अपने आप ही होती है लेकिन यहाँ पे काफी पहले करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर जर्मनी में ये बहुत अच्छी चीज है एक्चुअली कि यहाँ पर हार्डली आपको सिजेरियन जो है या ऑपरेशन जो है वो करेंगे, मतलब अनटिल एंड अनलेस बहुत बड़ी कोई इमरजेंसी ना हो, उसमें भी दीपक वो लोग साइन वाइन कराते हैं और तुमसे पूछते हैं। हाँ, साइन तो ऑब्वियसली कराते हैं और पूछते भी हैं। हाँ। और मतलब ये जनरल प्रैक्टिस नहीं है यहाँ पर कि ऑपरेशन करना ये सब चीजें, ये अगर रिक्वायर्ड है तो ही करते हैं, मतलब अपने यहाँ तो सुना है, सभी ने सुना है कि मैक्सिमम केसेस ऑपरेशन के थ्रू ही करते हैं, कई लोग बोलते हैं वो पैसे की वजह से करते हैं हॉस्पिटल्स, डिफरेंट रीजंस पता नहीं जो भी है सच्चाई, लेकिन जो रेशो है अपने यहाँ काफी ज्यादा है ऑपरेशंस का कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे डॉक्टर लास्ट मोमेंट तक ट्राई करते हैं नॉर्मल डिलीवरी का और जब उन्हें लगता है नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो फिर ऑपरेशन करते हैं। तो ये एक बड़ी ही शॉकिंग चीज़ लगी थी हमें भी यहाँ पर सुनने में और जो अच्छी भी लगी थी एक्चुअली, अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से शॉकिंग लगी थी। नेक्स्ट जिसमें यार मुझे बहुत डर लग रहा है, ऑफ कोर्स ये शॉकिंग तो है ही, लेकिन मेरे को डर लग रहा है कि दीपक हॉस्पिटल में जब कोई भी अलाउड नहीं रहता, इवन हस्बैंड भी अलाउ नहीं करते जब तक कि ये डिलीवरी जिस टाइम पे होती है बस उस टाइम पे अलाउ करते हैं, उससे पहले किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं, तो मुझे एक्चुअली डर लग रहा है कि कोई तो सपोर्ट होना चाहिए यार। हाँ, ये एक थोड़ा सा हमें भी शॉकिंग और लग रहा है और थोड़ा सा अच्छा, मतलब ये पसंद नहीं आया मुझे यहाँ का सिस्टम बेसिकली, तो उनका ये है यहाँ पर सिस्टम की आप नहीं जा सकते वहाँ पर, आप डिलीवरी के टाइम पे 2-2.5 घंटे जो भी है उस टाइम पे आप रहोगे एज ए हस्बैंड और कोई नहीं रहेगा, सिर्फ फैमिली से आप सिर्फ रह सकते हो, उसके बाद आप भी जाओ वो सारा टेक केयर वो खुद ही करेंगे, उसके बाद आपको विजिटिंग आवर्स दे देंगे 1 घंटे दिन में, बस उस टाइम जाके मिल लो और जब तक वो डिस्चार्ज नहीं करते हॉस्पिटल से। तो ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ लगी, अपने यहाँ तो रात में साथ में रुकते हैं चीज़ें, वो यहाँ पे नहीं है। इवन अभी बिकॉज ऑफ कोरोना ये डॉक्टर जितने भी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट थे उस सब में मेरे को अकेले ही जाना पड़ा क्योंकि उसमें हस्बैंड्स को भी अलाउ नहीं कर रहे थे, कोविड की वजह से बाहर खड़े रहो अंदर नहीं जा सकते। हाँ, वो जो एक मतलब सोनोग्राफी वगैरह होती है उसमें भी दीपक को जो है बिल्कुल नहीं आने दिया, जो मुझे इतना अच्छा पॉइंट नहीं लगा, ठीक है कोरोना है तो क्या रह तो हम साथ ही रहे पूरे टाइम, पर एकदम बिल्कुल मतलब हॉस्पिटल में सिर्फ हस्बैंड वो भी उसी टाइम के लिए अलाउड है, अगर मॉम डैड भी यहाँ पर रहेंगे तो वो भी हॉस्पिटल नहीं जा सकते, जैसे अपने नहीं एकदम सब लोग लेके जाते हैं। और जो अगला पॉइंट है वो तो भैया मतलब
प्लानिंग फिर से भयंकर वाली प्लानिंग। मतलब लोग यहाँ ये बोलते हैं कि आप बेबी प्लान करने से पहले कीटा जो है, कीटा मतलब जहाँ पर बच्चे एक साल के बाद जा सकते हैं, बेबी केयर टाइम, बेबी केयर टाइम बच्चों के लिए रहता है। तो लोग बोलते हैं कि यहाँ जर्मनी में आपको मतलब बेबी प्लान करने से पहले कीटा जो है वो प्लान करना पड़ता है। तो और पता ही ये पहले मैं सुना था, मैंने ये सब चीजें जब सुनते हैं अपन लोगों से लगता है क्या यार, मतलब थोड़े होता है ना कहावत के थोड़ी लंबी खींच देते हैं बात को, यार ऐसा थोड़ी होता होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा ही है भाई। मतलब लोग सच में प्रेगनेंसी का जब प्लान करते हैं, ये सब चीजें प्लान करते हैं, बेबी प्लान करते हैं, वो सडनली वो ढूंढना शुरू कर देते हैं कहाँ कीटा है, मतलब कहाँ पे बेबी केयर है। क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो एक साल की आप लीव लेते हो फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद जब आप ऑफिस ज्वाइन करोगे दोनों, तो बच्चे को कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना केयर के लिए। तो उसके लिए लोग भैया बहुत पहले से ही प्लान करते हैं और नहीं मिलता, मतलब आपके एरिया में बड़ा रैंडम है कि मिले, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं चीजें। और उसके अलावा जो किंडरगार्टन जो 3 साल बाद शुरू होता है, उसके लिए भी लोग पहले से ही प्लान करते हैं, पहले ही बुक कर देते हैं और वो भी नहीं मिलते यार, सोचो। और अगर इन केस आप दोनों, जैसे हम दोनों वर्किंग है और मुझे भी ऑफ कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद, तो आप अगर प्राइवेट कीटा में जाओगे तो वो बहुत महंगे होते हैं, 1000 यूरो और लगभग ऐसे। तो जो भी यहाँ के पब्लिक कीटाज होते हैं वो पहले से ही प्लान करने पड़ते हैं, ये बहुत वैसी वाली बात है। लेकिन एक अच्छी बात ये है दीपक, जो कि हम लोग दोनों मिलके 14 मंथ्स तक की लीव ले सकते हैं एंड स्टिल हम लोगों को जो मनी है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता रहेगा, सर्टेन अमाउंट आपकी सैलरी का मिलता रहेगा। हाँ, तो मतलब ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक लंबे टाइम, मतलब जब तक बच्चा जो है वो कीटा ना जाए तब तक आपको एक जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो मिलता रहेगा आफ्टर मैटरनिटी लीव, जो मैटरनिटी लीव होती है उसके बाद। और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही लीव लेनी है, हम दोनों मिलके जो है वो 14 मंथ्स ले सकते हैं। और एक और शॉकिंग चीज कि ऑफिस में अगर आप बताते हो तो ये कोई नेगेटिव चीज नहीं होती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, अगर आप बताते हो सब लोग बहुत चिल होते हैं, पूछते हैं अच्छा कब आओगे, अगर आप ये भी बोलो ना कि हम 3 साल बाद ज्वाइन करेंगे तो भी उसके लिए वो जो है वो रेडी हो जाते हैं, लोग ब्रेक लेते हैं, लंबा लंबा ब्रेक लेते हैं लोग। और उसके बाद एक और जो शॉकिंग चीज मतलब सुनने में सुना हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया जो रियलिटी भी है, वो है कि यहाँ पे गवर्नमेंट आपको किंडरगार्टन देती है। अरे हाँ, किंडरगार्टन मतलब कि बच्चों के लिए मंथली गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे देती है। तो मतलब शॉकिंग ही है यार कि कितने बच्चे होंगे जर्मनी में, हर बच्चे को हर महीने 200-300 यूरो दे रहे हैं ये लोग, कितना पैसा बांट रहे हैं। और 3 साल तक तो 500 यूरो मिलते हैं ना ये इस स्टेट में, मतलब 300 अलग से मिलते हैं जो फैमिली इन गैल्ड है, और शायद 200 समथिंग कुछ है जो किंडरगार्टन है जो बच्चे का मिलता है। और वो जो है बच्चे का पैसा वो उसको 18 इयर्स तक मिलता है, 18 साल तक होने तक हर महीने। तो ये एक बहुत बड़ा शौक है यार, ये बहुत बड़ा शौक। आपके ऊपर मतलब बेसिकली पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ नहीं जाती क्योंकि बच्चे को इतना गैल्ट मिलता है, इतना गैल्ट मिलता है, अपना कुछ कर सकते हैं बच्चे, अपना खर्चा निकाल के बल्कि थोड़ा और, और बाकी सब फ्री रहता है जैसे किंडरगार्टन स्कूल और ये सब चीजें फ्री रहती है, तो मतलब कोई ऐसी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती नहीं है। तो दीपक, आई थिंक ये सारे पॉइंट्स थे जो हमें कवर करने थे, जो कि बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही शॉकिंग लगे थे हम लोगों को यहाँ पर आने के बाद। और एक तो बात सुनी थी और अब हम वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हमने आपको ये सारे पॉइंट्स बता दिए। आई एम श्योर दीपक अभी तो लाइक 8 मंथ है, अब उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमें अभी तो हमारे भी एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, हम भी चीजें समझ रहे हैं, कई चीजें होंगी जो हम सही करेंगे गलत करेंगे वो सब चीजें आपके साथ बताएंगे, शेयर करेंगे आगे क्या क्या जर्नी है, कैसा क्या होने वाला है, और हो सकता है आप में से भी किसी की हेल्प हो जाए या आपके थ्रू हमें कुछ हेल्प मिल जाए। बट दिस ऑल आर लाइक इंटरेस्टिंग थिंग टू नो अबाउट जर्मनी, कि जर्मनी कितना ही डिफरेंट देश है, और ये प्रेगनेंसी एडिशन और टू बी पेरेंट वाला एडिशन है, हम लोग तो बड़े खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं इस जर्नी में और प्लस आप लोगों को बताने में। बाकी व्लॉगिंग चैनल पे हमारे सारे व्लॉग्स दिख जाएंगे आप लोगों को, है ना। और बाकी दीपक बड़े करेंगे और क्या, जो भी शौक है शौक लेते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। बोलते हैं ना कि शेयर करने से अपने जो
दुख दर्द सुख सब जो है दुख कम हो जाता सुख बढ़ जाता हाँ तो वो आपसे करते रहेंगे। बाकी आपको सबसे बड़ा शॉकिंग कौन सी चीज लगी जो हम जितने भी हमने बताया वो कमेंट करना, समथिंग जो हम भूल गए हैं और आपने एज ए पेरेंट समझ में आया हो वो भी जरूर कमेंट करना। और अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दीपक ने ब्लू पहना है मैंने पिंक पहना है तो समझ जाओ, और पीछे भी ब्लू पिंक है। बाय बाय।